ये वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के माटी के, और ये छत्तीसगढ़ का जब हमर गोरवाना राज रही से तो का नाम से जाने जाते रही से, और हम राजपाट चलाते तो हमर विद्यालय रही सोई, हम पढ़त रहे लोगों, हमर पुरखा राजा महाराजा मन सब पढ़े लिखे रही है। जेन मन हमर भाषा ला नहीं पढ़ सकी तेन मन हमला अनपढ़ लिख दी, आदिवासी मन ला पढ़े लिखे के जरूरत है। अरे भाई अनपढ़ नहीं सी कथा तो 52 57 परगना में 1760 वर्ष तक राज करने वाले मेरावी परिवार के 45 या 42वां नंबर के राजा संग्राम शाह, रानी दुर्गावती के ससुर, जेना सोना के सिक्का चले। आप सोचो अनपढ़ आदमी जब सोना के सिक्का चला सकते बताइए राजपाठ नहीं चला सकी, चला सकते सब मन राजा रही। मारकाम गंगागढ़ के राजा, नेताम लालीगढ़ के राजा, कोरते भैरागढ़ के राजा, चरैया धुनवा मन चांदागढ़ के राजा रही ने, और मंडलागढ़ के मराईधर राजा रही से। तो राजा के परिवार मल्ला एवं 257 रियासत न दे के बाद भारत के निर्माण करी, और हम अल्लाह पढ़ाए पर है कहीं के अंग्रेज ले का एग्रीमेंट करी के मतलब पढ़े जरूरत है खेला पढ़ावो तब राज करी। अब बता हम 1760 साल तक राज करें और सोना के सिक्का चलाएं तथा हमारे सियान मन अनपढ़ रही लोईगा नहीं रही से तो कहाँ पढ़त रही से, ये बात के ज्ञान रखना है हमला। हमारे विद्या के हमारे विद्यालय के नाम रही से गोटूर, और दुनिया के सबसे बड़े गोटूर लालीगढ़ रही से जहाँ हमारे पुरखा मन ला पढ़ाए रही से, और वहाँ पढ़ के हमारे पुरखा मन उल्टा पुल्टा नहीं बताए कि ना कहल पैदा हुई तक कौन कहल कान ले पैदा हुई तक कौन कहल मुंह ले पैदा हुई तक कौन कहल ऐसे कोई ज्ञान नहीं बाटी, और ऐसे छोटा ज्ञान ला बाटे पर हमर लड़का मल्ला हमर पुरखा मल्ला कई दिन के मन अनपढ़ ये मल्ला पढ़े के जरूरत है। हमर सियान ने चीज ला लिखे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो भारत में कोनो विज्ञानी का आदमी ला ज्ञानी आदमी ला पढ़े तो बात नहीं है, सिर्फ हमारे समाज के एक आदमी पढ़ के बोला बताई जेका नाम है मोती रावण गंगाली जी, जे सेनवी लिपि ला पढ़ के बता दी इसके में का लिखे। हमार विद्यालय हमार रीति रिवाज ला नहीं समझी तेन आदमी हाँ अपन ला जलाए पर हमन ला अनपढ़ कह दी, यही अनपढ़ मन कस के वोट डालते, अब इतने वोट में राज चलाते, अब हमन ला पढ़े के जरूरत है कहते हम ला का पढ़े के जरूरत है भैया, खेती किसानी करैया धन के मेहनत करैया है वीर नारायण सिंह के इतिहास लेकिन तो का पढ़े दोनों नहीं लिखी। अब अनपढ़ आदमी हाँ अंग्रेज ला दादो करे चना चबा सकते गोडाउन ला लूट सकते, और गोडाउन ला लूट के अपन जनता के भुखमरी ला 1856 में हिसाब करके, और मजेदार बात और बता रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में दो चोर नाम से प्रसिद्ध है, एक का नाम है चरण दास, चोर चरण दास,
और दोनों में बहुत महत्वपूर्ण बात है। वीर नारायण सिंह जब चोरी करी लूटी बड़ौदा बाजार में माखन मिश्र के खजाना रहा गोडाउन ला तब वो हिसाब करके लकेरी से गोदू भैया ला चार काटा समारू ला पंद्रह दुकानू ला मंगलू ला उतारू ला इतवारी ला सब लिस्ट बना के कही थे माखन मिश्र जिन दिन हमारे पर हो नहीं वो दिन देवा बाड़ी में तोड़ वापस करो। परंतु वारे अंग्रेज के चापलूस माखन मिश्र छाती पीट पीट के बताए लगी के तो गजब हो गए वीर नारायण सिंह मगर गोडाउन ला लूट ली आने वाले समय में अंग्रेजी शासन के लिए वीर नारायण सिंह खतरा है ऐसे कह के अंग्रेजी पलटन भेजेगी सोना खान। सोना खान कौन कौन गए होगा हाथ उठा दो। मैं बन रही हूँ सोना खान। सोना खान के धरती में और सहयोग से मेरा नाम नारायण सिंह है। हो सकता तक नहीं हर पागा वो समय के नारायण सिंह न हो नाम रखे से कोई भी नारायण सिंह नहीं हो सके। काम करना जरूरी है और काम कैसे होना चाहिए देखिए वीर नारायण सिंह के गांव में अंग्रेज के पलटन की तभी नारायण सिंह का पता चल गए के मनावत है। गांव के गांव ला खाली करके लोग लड़का सहित पूरा जनता सहित कुर्रू पाठ में चल दिया। कुर्रू पाठ नाम के एक पहाड़ी है जहाँ एक सुरंग है और वो सुरंग से सोना के पत्थर निकाले जाते हैं। वो जगह जाके चूक गया अंग्रेज आई लेकिन सोना खान में कोई कुकुर नहीं है कोनोल नहीं पहन रहा अब नहीं पहन तक गुस्सा में अंग्रेज आ गांव में आग लगा दी। घर धू धू के जल गए पूरा राख हो गए और राख होने के कारण आज भी वो गांव के डीह में जले हुए खपरा मिलते खपरा इधर के खपरा मिलते आता अन्याय सही ताकत पर अपन जनता पर तो सीखना एरा है आपका। दूसरा तो अभी जब सत्ता चलते तो बीजेपी और कांग्रेस के चलते लेकिन हमार जब सत्ता चली तो हमार सत्ता लगा गई गोड़वाना राज गोड़वाना साम्राज्य 52-57 परगना में गई थी। कहां से कहां तक तो वो समय छत्तीसगढ़ ला मंसारू कोर्ट का गोडी में मंसारू कोर्ट कहे ही मंसारू कोर्ट में हीरा खान छत्री के सोना खान के रवैया राजा जमींदार वीर नारायण सिंह ला नहीं बहन तब आकरी गुप्तचर लगाएगी वीर नारायण सिंह के इष्ट देवता उत्तर बुरा देव के नाम कुर्रू पाठ बुरा देव रही थी और वो का घोड़ा कबरा रही थी और सब साथी मिलके वो कुर्रू पाठ में आराम करे तब ओकरे बहनोई जो देवी के रवैया है तेला अंग्रेज मन बोला लालच दीन की भैया ते यदि ओकर पता ला बता देबे तो तोरा जमींदारी देबो की दुआरे देवी के जमींदारी के लालची रक्षा बंधन के दिन वीर नारायण सिंह ला पकड़वा दी सोकर बहनो और पकड़ के रायपुर के जेल में
बंद कर दिया। पर क्रांतिवीर और उनका साथी मन दो चार दिन के बाद हुई कपड़ा घोड़ा ला लाइन जेल के दीवार के तीर में खड़ा करी और वीर नारायण सिंह जेल के दीवार ला फांद के वो घोड़ा में बैठ के फिर भगा जेल से भाग गया। तो अंग्रेज मन डबल ओकर ऊपर अपराध लगाई धारा लगाई और खूना पकड़ के पूरा जेल में डालेंगे। और दो दिन के बाद 10 अगस्त 10 दिसंबर के दिन आके दिन 10 दिसंबर के दिन जिला आज शहीद वीर नारायण सिंह चौक कहते वो चौक में फांसी लटका दी और फांसी में वो लोग अत्यधिक ले लटकाई 10 दिन तक लटके रही सो 19 तारीख तक वो लटके रही ने ऐसे काबर करी तो दुनिया में आदिवासी के अंदर में खौफ डर पैदा करे बड़ा भयानक क्रांतिकारी वाला हमार संग्राम साथी वाला सजा दे रात्रि से कि आदिवासी डर जाए और घोर गए में गला लटका दे रात्रि से अंग्रेज द्वारा जैन जैन गांव में गोड़ के गला कटी वो गांव के नाम आज भी गोड़ मर रहा है। सोना खान के आसपास के गांव है गोड़ मर रहा है वो गांव का नाम गोड़ मर रहा है गोड़ मार दे। और ये पटपर यहाँ पर जो है गंडई परपोली के पास 4-5 किलोमीटर के अंदर में एक गांव है ओकरो नाम गोड़ बोल रहा है। तो गोड़ कहे में मार रहे के कारण वीर नारायण सिंह के समाज के लोग उनके हितैषी लोग उनके जनता लोग अपने आप को भिंडवार करने लगे। भिंडवार जनजाति बन गई उस दिन से। ऐसा वीर नारायण सिंह को 10 तारीख को जब फांसी दिया गया तो 19 तारीख तक लटकाया गया। ऐसे भारत के इतिहास में सिर्फ गोंड लोगों को ऐसी सजा दिया गया है। पहला सजा वीर नारायण सिंह को दिया गया चौक में फांसी लगा के 10 दिन तक लटकाया गया। दूसरा सजा मंडलागढ़ के राजा और राजकुमार शंकर साह और रघुनाथ साह को 1857 के क्रांति वीरों को 19 सितंबर 1857 को जबलपुर के नगर पालिका के सामने चौक में बाप बेटा दोनों को एक साथ तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। ऐसी सजा किसी को नहीं मिला। तो ये अभी से नहीं हमारे साथ हमेशा से ऐसा किया जा रहा है। तो इनको समझना है आपको और सजा भी ऐसे अन्य क्रांतिकारी को 3 प्रकार की सजा हुई। सरदार भगत सिंह को जेल के अंदर फांसी दिया गया क्योंकि वो गोल नहीं थे और हमारे लोगों को चौक में चौक के मुंह में बांधकर चौराहे में फांसी लटका करके सजा दिया गया ताकि गोड़ लोग डर जाए। तो हमें डरना नहीं है मुंहतोड़ जवाब देना है। अब आते हैं तीर एक कमान
थोड़ा जोर से बोलो बेटा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। देखो बच्चों, तीर तीन लोगों के पास था दुनिया में। पहला तीर आदिवासी एकलव्य के पास, दूसरा तीर महाराणा प्रताप और तीसरा तीर राजा दशरथ के पास। परंतु तीनों शब्द भेदी बाण में अंतर था। एकलव्य का बाण सिर्फ अर्जुन के कुत्ते के मुंह के आवाज को बंद किया, कहीं खरोंच तक नहीं आया। इसे कहते हैं शब्द भेदी बाण, सिर्फ शब्द को बंद किया। मगर पृथ्वीराज चौहान के पास, तीरंदाज तो था लेकिन शतभेदी बाण था, लेकिन अंदाज लगाने की उसके पास ताकत नहीं थी। इसलिए उसके कवि चंद्रवरदाई ने कहा, चार बांस 24 गज अष्ट अंगूल प्रमाण, का ऊपर सुल्तान है मत झूठो चौहान। तो ये तुम्हें झुकना नहीं है, बदला लेना है। उनके आंखों को फोड़ दिया गया था उस सुल्तान के द्वारा, दोनों आंखें निकाल दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की। परंतु उसके पास एक विद्या थी शब्द भेदी बाण, वो जीते जी उसने बदला लेना चाहा। और उसके कवि ने कहा कि इनके पास एक विद्या है, इसके मरने के बाद ये चला जाएगा। तो क्या है? शब्द भेदी बाण है। वैसी मंत्र सजाया गया, उसमें सुल्तान बैठा और कहा, मुझे लगाओ तीर। ऐसा उसने कहा। उनकी आवाज को सुनकर तीर उठाया पृथ्वीराज चौहान ने, और चंद्रवरदाई की कविता के अनुसार अंदाज लगाया और दे छोड़ दिया उसने तीर। सुल्तान वहीं पर लुढ़क गया। तो बदला हमें ऐसे लेना है, हमारे एकलव्य भैया का द्वितीया जो है ऐसी था कि ऐसे विद्या अर्जुन और सौ भाई कौरों के पास नहीं था। लेकिन वो द्रोणाचार्य ने उसे धोखा दे करके अंगूठा मांग लिया। तब से हम लोग तीर चलाते हैं, तो ये अंगूठा में पकड़ के नहीं चलाते, तीर को यहाँ पकड़ते हैं ऐसे, क्योंकि हमने इसको दे दिया है। और तीसरा बाण दशरथ के पास था। तुमड़ी में आवाज आई, सर्वन के सीने में बाण लगा। तो बताओ, ऐसे तीरंदाज शब्द भेदी बाण का हकदार है? नहीं है। आवाज तो तुमड़ी में आया, तुमड़ी में बाण लगना था, सर्वन के सीने में बाण कैसे लग गया? तो बस देवा जी कहते भाटा लोकम बाल बाण की गंगा, एक तन मुस्वर की तन कान बड़े प्रज्वलित कर देता। धोखा से उसकी हत्या कर दी गई, वो भी आदिवासी में सरवन कुमार जो है। तो ये रहा हमारा। अब आते हैं दहन, दहन पुतला दहन, रावण दहन और आर्य दहन। ये तीन प्रकार का दहन होता है हमारे यहाँ। आर्य दहन का मतलब होता है, बाहर से आए हुए लोगों के पुरखा यदि मर जाता है तो क्या उनके पुरखा जो है
मिट्टी या अग्नि संस्कार होगा नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊंगा अभी, ये बोर्डा के मरघट में मुझे जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ। मेरे बाप दादा लोग राजनांदगांव जिला के एक छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ मेरा शव जाएगा और वहाँ के लोग सम्मान से मिट्टी देंगे और मेरे संस्कार करेंगे। जिस तरह शहीद सरहदों में मरने वाले शहीदों का शव जो है हिमालय जहां भी सरहद है वहां से ऐसा सम्मान उनके मातृभूमि लाया जाता है। ये भारत की परंपरा है, गोंडवाना की परंपरा है। तो आज ये जो है एशिया माइनर से बाहर आए थे, उस जमाने में हमारा राजा शंभू से राज करते थे, उनसे कहा गया महाराज हमारा पुत्र मर गया, हमें यहाँ जगह दिया जाए, ये बताओ मेरा शव आपके गांव में मुझे बांटने दोगे? अभी भी नहीं होता, दूसरे गांव का आदमी दूसरे गांव के घर मरघट में नहीं जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, नहीं ये वो गांव गए उस गांव में जाया जाए। तो हमारे शंभू शेख ने कहा नहीं 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 नहीं, तुमको जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कहने लगे हमारा देश तो बहुत दूर है महाराज, कैसे करेंगे? तब उपाय किया गया, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम ले जाएंगे अपने बाप को, परंतु मिट्टी को रखना संभव नहीं है, इसलिए उसने जला करके मटका में भर के जिस दिन जाना हुआ उस दिन ले गए। ऐसी व्यवस्था हमारे शंभू शेख ने आर्यों को दिया था, आर्यों ने तब से वो जलाना व्यवस्था किया, मगर हमारे यहाँ दफन की व्यवस्था है, मिट्टी देने की व्यवस्था है। दूसरा रावण दहन, अभी किसी भी नेता के पुतला जलाते हैं तो नेता जी जिंदा रहते हैं तब पुतला जलाया जाता है। यदि रावण का पुतला जलाता है इसका मतलब होता है कि रावण जिंदा है, तभी तो हम उसके पुतला जलाते हैं। यदि रावण मर गया तो उसका पुतला नहीं जलाना चाहिए। तो ये अंतर है हमारे रावण दहन में, आर्य दहन में और ये पुतला दहन में। तीसरा है हाथी, गोंडवाना में सफेद हाथी था और एक सफेद हाथी और था, बाकी सब काला हाथी थे। सफेद हाथी गोंडवाना में राजा संग्राम शाह के पास था, उन्होंने अपने बहू को गिफ्ट में दिया था, जो बेटी तुम प्रभो बहु रानी करते, तो रानी दुर्गावती के पास भी सफेद हाथी था जिसका नाम सरवन था। और राजा इंद्र के पास एरावत नाम का हाथी था, सचमुच और बाकी तो काला हाथी था। मगर हाथी को क्या कहा गया? सफेद हाथी सिद्ध हुआ। हम लोग जानते हो क्या होता है? सफेद हाथी सिद्ध हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूरा, सफेद हाथी मतलब कोरा झूठ कहा गया। और एरावत तो बोले भगवान का इंद्र का हाथी है बोला गया, और हमारे पास स्वयं एरावत नाम का हाथी था।
का होते एक रेला रेला ताली डबल नहीं स्वागत के लिए मैं स्वागत करेंगे अपने निधि मैम है और ललिता करंत मैम है, इनका भी स्वागत करेंगे पीला चावल के साथ। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो हमारा विषय था कि हम कौन है, हम कौन इस गोवाना धरती के मालिक है, क्या है। अरे धीरे से बोल रहे हो, आजकल नहीं हो ऐसा लग रहा है। कौन है आप? हाँ, राजकुमार और राजकुमारी हो आप लोग। और ये चौका में बैठने वाले चौकीदार है और जमीन में बैठने वाले जमींदार है। तो जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन है, जिनके पास भाषा है, जिसके पास संस्कृति है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी। मेरे पड़ोसी में कुड़िया है 8 साल की, वो जब भी मुझे कलगी लगा के जाते हुए देती है तो कहती है दादा कहाँ जा रहे हो, बोले शर्मा रेला और कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारा भी नहीं है, हमारा भी होना चाहिए। ओबीसी से है, ओबीसी का कुछ नहीं है, ना रेला है, ना बाटा है, ना नाचा है, ना गाना है, कुछ नहीं है। वो हमारा ही राग है, अपना मान मनाता है। इसका मतलब था वो हमारे आदमी थे, लेकिन दूसरे के चक्कर में आकर के अपनी संस्कृति को भूल गए। तो जिसकी संस्कृति है वही जीवित है इस दुनिया। तो हमने कहा बेटा, हमने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है, जीते हैं, इसलिए हमारे पास नृत्य है, गीत है, सब कुछ है। तो मेरे अगला ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी देव संख्या के हिसाब से किसके साथ कैसे रोटी बेटी होगी, किसके साथ क्या संबंध होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। 3 देव वाले कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो। 3 देव वाले मता नेता चोरी पूछने वाले लोग, मैं भी हूँ। तो आपको ये नंबर दे रहा हूँ 500, उस 5 नंबर को याद करना। पहला नंबर है 33। 33 मतलब इटाई में भी 3, दहाई में भी 3, उलट दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात 3 देव वाले का 3 देव वाले के साथ शादी नहीं होता, ये 33 नंबर। 24 मरदाम और नेताम की जोड़ी, 35 मरदाम और पोते की जोड़ी, 36 मरदाम और चोरैया की जोड़ी, और 37 जो है मरदाम और मरई का जोड़ी है। तो ये अपने जोड़ी नंबर याद रखो। हाँ, गोदियारे गोदियारे ला आई लव यू नहीं कहना है। जो भी हमारे गुणवाना की लड़की लोग लड़के लोग आजकल हमारे साथ बैठना बंद कर दिए हैं, पुरखों के साथ बैठना बंद कर दिए हैं, इसीलिए कहा गया गुरु गंतव्य बिना गुणवाना भटक गया।
पहले भी राजा थे और आज भी राजा रहते, क्यों कि हमारे गुरु उतने थे। चार गुरु तो हमारे थे गुरु स्वर्ग के, तीन गुरु थे हमारे मातृशक्ति और पांच गुरु थे हमारा मुठवा शक्ति और 12.5 गुरु थे हमारा वाहक शक्ति सभा शक्ति 12.5 जाति। इन सब को गुना करो, 4 × 3, 3 × 5 और 5 × 12.5 इतना उत्तर आता है, देख लो 750 आए। तो इस तरह हमारे गुरु की आवश्यकता थी और हम लोग अपने पुरखों के साथ अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना बंद कर दिए, इसलिए रोलवाना भटक है। और चाहने वाले लोग 43, 44, 45, 40 और 47, 44 में 4 अंक जो है इकाई दहाई को ऐसा करो तो 44 का 44 रहता है, अर्थात 4 दिवाली का 4 दिवाली साथ शादी नहीं होगा, बाकी सब झूठ रहेगा। उसी प्रकार 53, 54, 55, 56, 57 5 दिवालों के लिए, 6 दिवाले के लिए 63, 64, 65, 66 आए तो बराबर हो गया और 67। 7 दिवाले के लिए 73, 74, 75 और 76 तो 77 वर्जित है, ये सके भाई बहनी कहलाता है। और दूसरी बात, रेलगाड़ी की 2 पटरी होती है, उसी प्रकार हमारे गुंडवाना में 2 पारी होते हैं और 2 पारी के 2 नाम है। एक नाम को बोलते हैं बाप का खून और दूसरे को बोलते हैं माँ का दूध। बाप का खून बराबर हो गया तो समझ जाओ वो तुम्हारा गोतियार भाई बहन है, और माँ का गोत्र बराबर हो गया तो आप मौसी बड़ी के भाई हो गए, बाकी सब शादी कर सकती है। अब आगे आते हैं, तक जो राज किए, ये सबसे बड़े परिवार जो थे गढ़ा मंडला के थे और गढ़ा के जो राजा थे नागदेव, उसकी कन्या रत्नावली के साथ यदुराय मेरावी का शादी हुआ था और उन्होंने लकड़ी के खाड़ा लकड़ी के तलवार में इतने बड़े गोदा को काट करके माला देवी में चढ़ाए थे। ऐसे सूरवीर ऐसे ताकतवर परिवार से आते हैं, मगर आज पता नहीं क्या हो जाता है भाई, अभी भीड़ देखते हैं पूरा विधानसभा में हमको 736 वोट मिलता है, क्यों कौन ही जाता है, ये कौन लोगों का पार्टी है, देखो सही है कौन लोगों का पार्टी है, कौन लोगों का, अरे कौन लोगों का नहीं, गुरुद्वारा एक गुरुद्वार का नाम है, वहाँ के जितने लोग भी हैं सब गुंड है, गुंडी रीति रिवाज चलती थी। एक दूसरी बात, हम गुड़वाना शासकीय कर्मचारी संघ बनाए हैं, गुड़वाना विचारधारा को लेकर, गुड़वाना विचारधारा जो है जय सेवा के मंत्र को लेकर आगे बढ़ता है और गोंदोला में रहता है। गोंदोला का मतलब गोंदली में इतना छिलका होता है फिर भी उसके अंदर पानी बाहर नहीं जाता, ऐसे ही हम लोग गोंदोला में रहने वाले गोंड है, दंड व्यवस्था की भाग है, नायक है और हम
सारा मनोरमा में रहता है। तो पहला ये भी है डूबी, डूबी भी झुंड में रहता है, नारियल झुंड में फलता है, चिंदी झुंड में फलता है, हाथी झुंड में रहता है, सांप बांध झुंड में रहता है। तो झुंड में रहने वाले को हम अपना संदेश वहां मानते हैं, उनसे सीख लेते हैं और आज हम सब मुंडोला के ये शहीद वीर नारायण सिंह का सही शहादत दिवस तभी होगा, उनके जैसे त्यागशील सेवा भावी समाज सेवक के रूप में संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय।